the amazing, the love, the support. It's been an incredible journey. I wouldn't have had it any other way. दोस्तों, करण के शो के बाद अब दीपिका और रणवीर सिंह का रिलेशनशिप खतरे में है, क्योंकि जो भी बातें दीपिका पादुकोण ने अपने रिलेशनशिप को लेकर करण के शो में बोली हैं, वो बातें रणवीर सिंह को दिल पर लगी हैं, जिसके कारण रणवीर सिंह के शो के अंदर भी कहीं ना कहीं भावुक होते नजर आए थे। इतना ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह तो एक बार शो को नज़रअंदाज करके अपने रिलेशनशिप को लेकर बहस पर भी उतर आए थे। अब दोस्तों, दोनों का रिलेशनशिप खतरे में है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब शायद दोनों का तलाक भी हो जाए। लेकिन अब कॉफी विद करण के शो के बाद दीपिका ने खुलकर अपने और रणवीर सिंह के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कुछ कहा। सबसे पहले तो दीपिका ने कहा कि मेरे कहने का मतलब गलत निकाला गया, मैं रणवीर सिंह के साथ जितना खुश रहती हूँ शायद और किसी के साथ नहीं रह पाती। आगे दीपिका पादुकोण ने कहा कि मैं रणवीर सिंह से कभी भी दूर नहीं रहना चाहती, मुझे यकीन है कि रणवीर मेरी बातों को ज़रूर समझेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण ने रणवीर से माफ़ी मांगने की भी बात कही। अब आखिर में दोस्तों, आपके अनुसार दीपिका पादुकोण सही है या फिर गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।